बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 18,000। तो भाई अगर आपका भी बजट 18,000 है, 18,000 के बजट में आप एक स्मार्टफोन लेना चाहते हो जिस पे आप मल्टीटास्किंग कर सको, गेमिंग कर सको, उसके साथ साथ आपको कैमरा अच्छा चाहिए, डिस्प्ले अच्छी चाहिए, बैटरी बड़ी चाहिए, तो यार ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार मेरा इंट्रो। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रॉबिन टॉबिन, वेलकम टू दी अनबॉक्सिंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है यार मेरे चैनल पे। अगर चैनल पे नया चैनल को तो सब्सक्राइब यार, वीडियो को कर दो लाइक एंड इंस्टाग्राम पे कर लो फॉलो। लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चाउट कर लेना। फॉलो वगैरह करना चाहते हो तो भाई कर सकते हो, अगर आपने सिर्फ चाउट करना चाउट भी कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक की बात करते हैं, नंबर वाइज मैं आपको बताऊंगा, नंबर 5 की बात कर लेते हैं। तो यार नंबर 5 की बात करूँ, नंबर 5 पर यार मैंने रखा Redmi Note 9 Pro Max। अगर इस स्मार्टफोन की बात करूँ, सबसे पहले इसके प्राइस की बात करके, आपको 16,000 के बजट में ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। ये स्मार्टफोन यार आपको तीन वेरिएंट में देखने को मिलता है, 6GB रैम एंड 8GB रैम के साथ आता है। प्लस इसमें आपको स्टोरेज डिफरेंस मिल जाती है, 64GB स्टोरेज, 128GB स्टोरेज प्लस 128GB स्टोरेज, ठीक है। प्लास्टिक फ्रेम में आपको देखने को मिल जाता है, प्रोसेसर बहुत तगड़ा मिल जाता है जो कि 8nm टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। बात करूँ मैं कैमरे की, आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है जिसपे आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो 30fps पर। सेल्फी भी आपको 32MP सेल्फी मिल जाती है जिसपे आप 1080p पर रिकॉर्ड कर सकोगे। 4K ऑप्शन आपको फ्रंट कैमरे में नहीं मिलता। बैटरी की बात, आपको 5020mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि आपका एक दिन तो नॉर्मली निकाल देने वाली है, ठीक है। प्लस इसके कलर वगैरह बहुत प्यारे देखने को मिलते हैं Redmi Note 9 Pro Max के, एंड इसका डिज़ाइन वगैरह भी बहुत, मतलब लुक वगैरह भी इसकी बहुत ज़्यादा सही है। अगर आपने जाना है तो Redmi Note 9 Pro आपके लिए बेस्ट डील हो सकता है, अगर आप Redmi लवर हो भी। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की। डिस्प्ले की बात करूँ, आपको 6.67 इंच IPS LCD देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर की बात करूँ, आपको स्नैपड्रैगन 720G देखने को मिल जाता है। स्टोरेज की बात करूँ, 6GB रैम मिल जाती है प्लस 64GB स्टोरेज, मैंने आपको पहले भी बता दिया। इसमें आपको 64GB भी मिल जाएगा, 128GB मिल जाएगा, तो भाई 8GB रैम भी मिल जाएगा। जो भी मतलब वेरिएंट आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो। बैटरी की बातों को 5020mAh की बैटरी मिल जाती है, प्लस आपको 33W का फास्ट चार्जर मिल जाता है। कैमरे की बात करूं, आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है, 64MP प्लस 8MP प्लस 5MP प्लस 2MP। सेल्फी की बात करूं, आपको 32MP सेल्फी मिल जाती है, बट सेल्फी में आपको 4K ऑप्शन नहीं मिलता। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं यार। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया Redmi Note 9 Pro Max के। प्लस इसके कलर वगैरह बहुत, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, ठीक है। तो यार लिंक इसका मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपने इस फोन को चेकआउट करना है भाई, आप चेकआउट कर सकते हो, अगर आपने लेना है तो भाई आप ले भी सकते हो। आगे बात करते हैं नंबर फोर की बात करूँ, या नंबर 4 पर मैंने रखा है पोको M2 Pro। अगर इस स्मार्टफोन की बात करूँ, आपको 17,000 से लेके 18,000 के बजट में ये स्मार्टफोन भी देखने को मिल जाएगा। इस फोन की बात करूँ, सबसे पहले ये तीन वेरिएंट में देखने को मिलता है, 4GB रैम एंड 6GB रैम के साथ आता है। तो भैया आप देख लेना, अगर आपने 4GB की ओर जाना आप जा सकते हो, अगर आपने 6GB की ओर जाना आप जा सकते हो। इसमें आपको IPS LCD देखने को मिल जाती है जो कि गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ आती है। स्नैपड्रैगन 720G देखने को मिल जाता है जो कि 8nm टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। तो भैया अगर आपने गेमिंग वगैरह भी करनी है आप स्मूथली कर सकोगे। क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो 30fps पर। प्लस आपको 16MP सेल्फी मिल जाती है जो कि 1080p पर रिकॉर्ड करती है। 4K ऑप्शन आपको फ्रंट में नहीं मिलता। 5000mAh की बैटरी मिल जाती है, प्लस ग्लास बैक एंड प्लास्टिक फ्रेम के साथ आपको देखने को मिलता है। इसके मेन स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो पोको M2 Pro के मेन स्पेसिफिकेशन की बात करूं, पहले डिस्प्ले की बात करूं, तो आपको 6.67 इंच डिस्प्ले मिल जाती है जो कि 120 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलती है। तो भाई 120 रिफ्रेश रेट सच में मैटर करता है, तो इसका डिस्प्ले आपको बहुत सही होने वाला है अगर आप इंडोर या आउटडोर यूज़ करते हो। प्रोसेसर की बात करूं, आपको स्नैपड्रैगन 720G देखने को मिल जाता है। स्टोरेज की बात करूं, आपको 6GB रैम मिल जाती है प्लस 128GB स्टोरेज। बैटरी की बात करूं, 5000mAh की बैटरी मिल जाती है प्लस 33W का फास्ट चार्जर। कैमरे की बात करूं, आपको 48MP के साथ क्वाड कैमरा मिल जाता है, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। सेल्फी की बात करूं, आपको 16MP सेल्फी देखने को मिल जाती है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया पोको M2 Pro के। प्लस मैं आपको कहना चाहता हूं भाई, अगर आप हार्डकोर गेमिंग करना चाहते हो, गेमिंग के लिए स्मार्टफोन ले रहे हो, एंड अगर आपका बजट 16,000 17,000 या 18,000 अगर आपका बजट है, तो भाई अगर आपने पोको M2 Pro की और भी जाना है तो मैं आपको कहना चाहता हूँ अपने 6GB रैम की और जाना है, 4GB की और मत जाना, बिकॉज आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो सही नहीं होगा। 6GB रैम आपके लिए परफेक्ट डील हो सकती है। अभी आगे बात करते हैं नंबर थ्री की बात करूँ या नंबर 3 पर मैंने रखा है सैमसंग गलेक्सी M31S। तो भाई अगर आपको एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन चाहिए एंड अगर आपका बजट 18,000 है, तो इस प्राइस रेंज में आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। एंड भाई अगर आप हार्डकोर गेमिंग करना चाहते हो, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कह रहा आपने नहीं
नहीं जाना सैमसंग गैलेक्सी M31 S बिकॉज आपका गेमिंग एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं होने वाला, बिकॉज इसमें आपको प्रोसेसर इतना तगड़ा नहीं मिलता। लेकिन भी अगर आपने डेली में यूजेज करना, आपको एक डिस्प्ले अच्छी चाहिए, उसके साथ साथ लॉन्ग बैटरी लाइफ चाहिए, उसके साथ साथ आपको 4K ऑप्शन चाहिए फ्रंट कैमरे में भी एंड बैक कैमरे में भी, अगर आप अच्छी सेल्फी लेना चाहते हो, अच्छी फोटोज लेना चाहते हो, आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है सैमसंग गैलेक्सी M31 S। आप जा सकते हो नॉर्मली एंड ईजिली जा सकते हो, फोन बहुत ज़्यादा सही है। इसका डिज़ाइन जो है, जहाँ कलर्स वगैरह वो भी बहुत लुक में, मतलब कहने का वो बहुत सही मिल जाती है। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की, तो यार डिस्प्ले की बातों को 6.5 इंच सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, प्रोसेसर की बातों को एक्सनॉक्स 9611 देखने को मिलता है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ सैमसंग के फ़ोन अगर आप 11,000 से लेके 20,000 के बजट में लेते हो ना, तो सभी में आपको प्रोसेसर सेम ही देखने को मिलेगा, एक्सनॉक्स 9611 ही सभी में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो प्रोसेसर को देख के अगर आपने सैमसंग का फ़ोन लेना है, चाहे आप 10,000 के ले लो, चाहे आप 20,000 के ले लो, आपको सेम ही चीज़ मिलने वाली है। स्टोरेज की बात करो, 6GB रैम मिल जाती है प्लस 128GB स्टोरेज, प्लस आप एक्सपेंडेबल भी कर सकते हो। बैटरी की बात करूँ, आपको 6000mAh की बैटरी मिल जाती है, मतलब अगर आप गेमिंग नहीं करते तो आपके 2 दिन नॉर्मली निकलने वाले हैं। भाई अगर आप गेमिंग करना चाहते हो, मल्टीटास्किंग करना चाहते हो, तो आपका 1 दिन तो नॉर्मली निकाल देगी। प्लस आपको 25W का फास्ट चार्जर मिल जाता है। कैमरे की बात करूँ, आपको कोर कैमरा सेटअप मिल जाता है 64MP प्लस 12MP प्लस 2MP प्लस 2MP। सेल्फी की बात करूँ, आपको 32MP सेल्फी मिल जाती है। प्राइस की बात करूँ, पहले इसका प्राइस आपको 18,500 देखने को मिलता था, लेकिन अभी इसका प्राइस आपको 18,000 में मिलेगा। एंड भाई अगर आप 5% या 10% ऑफ की और चल जाते हो, और भी आपके लिए बेस्ट डील हो सकती है, आपको ये फ़ोन और भी सस्ता देखने को मिल जाएगा। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया सैमसंग गैलेक्सी M31 S के, तो भाई अगर आपने इस फ़ोन की ओर जाना है भी आप जा सकते हो। अगर आपने सिर्फ इसको चेकआउट करना है, तो भी एक बार चेकआउट जरूर कर लेना, नॉन चाइनीज़ फ़ोन है, ट्रस्टेड ब्रांड है, टॉप ब्रांड में से आता है सैमसंग, इसका भी लिंक मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, चेकआउट कर लेना यार। आगे बात करते हैं नंबर टू की बात करूँ यार, नंबर टू पर मैंने रखा है पोको X3। अगर इस स्मार्टफोन की बात करूँ, आपको 16,000 के बजट में ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है, एंड 16,000 के बजट में आपको पूरा अपर देखने को मिल जाता है। प्राइस बहुत सही है, प्राइस के अकॉर्डिंग देखा जाए स्पेसिफिकेशन आपको बहुत तगड़े मिल जाते हैं। इसमें आपको IPS LCD देखने को मिल जाती है, जो कि 120 रिफ्रेश रेट के साथ आती है। तो यार 120 रिफ्रेश रेट सच में बहुत मैटर करती है। प्रोसेसर की बात करूँ, आपको स्नैपड्रैगन 732G देखने को मिल जाता है, जो कि 8nm टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है, वो भी बहुत तगड़ा। भाई अगर आप हार्डकोर गेमिंग करना चाहते हो, ये फोन आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है। ये फोन 3 फीट में आता है, कोर कैमरा सेटअप आपको मिल जाता है, 4K वीडियो ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। सेल्फी की बात करूँ, आपको 20MP सेल्फी मिल जाती है, बट सेल्फी में आपको 4K ऑप्शन नहीं मिल जाता, आपको 1080p भी देखने को मिलेगा, एंड 6000mAh की बैटरी भी देखने को मिल जाती है, मतलब आपका 1 दिन तो नॉर्मल निकालने वाली है। भाई अगर आप गेमिंग करते हो, अगर आप गेमिंग नहीं करते हो, नॉर्मल यूजेज के लिए करना है, तो भाई आपके 2 दिन नॉर्मल निकाल देगी। अभी इसके मेन स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। डिस्प्ले की बात करूँ, आपको 6.67 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि IPS LCD डिस्प्ले, जो कि 120 रिफ्रेश रेट के साथ आती है, ठीक है। प्रोसेसर की बात करूँ, आपको स्नैपड्रैगन 732G देखने को मिल जाता है। स्टोरेज की बात करूँ, 6GB रैम मिल जाती है प्लस 128GB स्टोरेज। बैटरी की बात करूँ, आपको 6000mAh की बैटरी मिल जाती है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। कैमरे की बात करूँ, कोर कैमरा सेटअप मिल जाता है 64MP प्लस 30MP प्लस 2MP प्लस 2MP। सेल्फी की बात करूँ, आपको 20MP सेल्फी मिल जाती है। प्राइस की बात करूँ, इसके 3 वेड देखने को मिलते हैं, तो यार एक वेड आपको 18,000 के बजट में मिल जाएगा, एक आपको 16,000 के बजट में मिल जाएगा, एक उससे ऊपर या नीचे हो सकता है, तो आप चेकआउट कर लेना अगर आपने जाना है पोको X3 की, और ये स्मार्टफोन भी आपके लिए बेस्ट डील हो सकता है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया पोको X3 के, तो भाई अगर आपने इस स्मार्टफोन की ओर जाना, आप इस स्मार्टफोन की ओर भी जा सकते हो। ये स्मार्टफोन भी पूरा परफेक्ट, अगर आपने मल्टीटास्किंग करनी है, अगर आपको अच्छा कैमरा चाहिए, अच्छी डिस्प्ले चाहिए, लॉन्ग बैटरी लाइफ चाहिए, उसके साथ साथ भी अगर आपने हार्डकोर गेमिंग करनी है, आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है पोको X3। अभी आगे बात करते हैं नंबर वन की बात करूँ, या नंबर वन पर मैंने रखा है Realme 7 Pro। अगर इस स्मार्टफोन की बात करूँ, सबसे पहले बात करते हैं इसके प्राइस की, तो ये स्मार्टफोन आपको 19,000 के बजट में देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसका डिज़ाइन या लुक वगैरह बहुत प्यारे देखने को मिलते हैं, उसके साथ यार ये 2 वेरिएंट में देखने को मिल जाता है, ठीक है। आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन के साथ देखने को मिलती है। तो यार इसका डिज़ाइन एंड लुक वगैरह सच में बहुत प्यारे हैं, ऊपर से लाइक रियलमी का ब्रांड है, ट्रस्टेड ब्रांड है, टॉप ब्रांड में से आता है, एंड ये बजट फ्रेंडली फ़ोन बनाते हैं। भाई अगर आपका बजट 8,000 भी है ना, उस प्राइस रेंज में भी आपको एक अच्छा डिज़ाइन, अच्छा डिस्प्ले वगैरह आपको प्रोवाइड कर देता है रियलमी, तो भाई अगर आपने जाना, आपके लिए बेस्ट डील हो सकता है। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की, तो डिस्प्ले की बात करूँ, आपको 6.4 इंच सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है। प्रोसेसर की बात करूँ, आपको स्नैपड्रैगन 720G देखने को मिल जाता है, जो कि 8nm टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है।
स्टोरेज की बात करूँ 6 GB रैम मिल जाती है प्लस 128 GB स्टोरेज प्लस आप एक्सपेंडेबल भी कर सकते हो। बैटरी की बात करूँ आपको 4500 mAh की बैटरी मिल जाती है प्लस 64W का फास्ट चार्जर। कैमरे की बात करूँ आपको कोर कैमरा साइड मिल जाता है 64 MP प्लस 8 MP प्लस 2 MP प्लस 2 MP। सेल्फी की बात करूँ आपको 32 MP सेल्फी मिल जाती है। प्राइस की बात करूँ इसका प्राइस आपको 19,000 के बजट में देखने को मिल जाएगा। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया Realme 7 Pro के। अभी बात करते हैं कि इनमें से बेस्ट कौन सा है। तो यार मैं आपको कहना चाहता हूँ भाई अगर आपने हार्डकोर गेमिंग करनी है, अच्छी डिस्प्ले चाहिए, उसके साथ साथ आपको लॉन्ग बैटरी लाइफ चाहिए, तो भाई आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है पोको X3। उसके बाद हम बात करें भाई अगर आपको लॉन्ग बैटरी लाइफ चाहिए, नॉन चाइनीज स्मार्टफोन चाहिए, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन चाहिए, अच्छी डिस्प्ले चाहिए, मतलब सुपर AMOLED डिस्प्ले चाहिए, तो भाई आप जा सकते हो सैमसंग गैलेक्सी M31S की, और वो फोन भी आपके लिए परफेक्ट डील हो सकती है भाई। एंड अगर आपका बजट 19,000 है या 20,000 है इस प्राइस रेंज में भी आप जा सकते हो Realme 7 Pro की और। एंड अगर आपको Redmi का फोन पसंद आता है तो भाई आप उस स्मार्टफोन की और भी जा सकते हो, वो भी आपके लिए पूरा लोडेड है। अगर मैंने जाना होता तो भाई मैं जाता Samsung Galaxy M31S की और, बिकॉज उसका प्राइवेसी सिस्टम बहुत तगड़ा है, प्लस उसका कैमरा बहुत अच्छा है, लॉन्ग बैटरी लाइफ एंड अच्छी डिस्प्ले मिल जाती है, मतलब मेरे काम आने वाला फोन जो है वो Samsung Galaxy M31S से। तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है यार खत्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी यार वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भेज देना, दोस्तों के भी दोस्तों को भेज देना, उनको भी कह देना कि चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक करें, इंस्टाग्राम पे कर ले फॉलो यार, लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चेकआउट कर लेना। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ, कोई नया टॉपिक लेके आएंगे यार आपके साथ शेयर करेंगे, नया गैजेट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। थैंक यू।